गुस्सा निकाल रही महिला को सर्प ने डस लिया। परिवार के लोग जब तक कुछ समझ पाते उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सबका पोस्टमार्टम करवाया। जनपद फिरोजाबाद के ग्राम भावपुरा निवासी कन्हैया लाल की 28 वर्षीय पत्नी वंदना देवी कई दिन पूर्व अपने पिता के गांव थाना घिरोर क्षेत्र के ग्राम गढ़िया सैदपुर घूमने आई थी। बताते हैं मंगलवार की सुबह वंदना जानवरों के लिए गांव के बाहर लगे भूसा भुर्जी से भूसा निकालने गई। भूसा भुर्जी के अंदर काला सर्प बैठा हुआ था। उसने वंदना को डस लिया। सर्प के काट लेने के बाद वंदना दौड़कर घर पहुंची और उसने परिजनों को पूरी बात बताई। परिवार के लोग उसे उपचार के लिए ले ही जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया है। हमारा नाम रघुवर दयाल है। ये जो मौत हुई है वो कौन है आपकी? हमारी भतीजी है। कैसे क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? ये सुबह 6:30 जो है भूसा भरने गई खेत में, वो बुज्जी लगी थी। वहाँ थोड़ा ही भूसा था, कहीं ज़्यादा नहीं था, करीब एक बोरी भूसा था। तो भरने गई, उसमें कंपाइन से कटी हुई नरई पड़ी थी। वो नरई हटा के इसने भूसा समेटा तो उसमें हाथ काट लिया सांप ने। एक बार काट लिया, दूसरी बार फिर इसने किया तो उसने देख लिया कि हमको सांप ने काट लिया। तो उसको आ गई घर पे, एक बार तो बांध दिया उसको बाएँ में। फिर दोबारा हमसे कहा कि उसको सांप ने काट लिया, तो हम भाग के गए, उसको नींब खिलाया, उसको कड़ुआ कम लगा, कड़ुआ नहीं लगा। तो उसने जो है कही कि अब चाचा हम बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो हमने एक बार फिर बांधा है, हमने अपने भाई से कह के इसे पकड़ लो, बांधो कस के। फिर बांध के तुरंत ही गाड़ी आ गई, मोटरसाइकिल बैठा के एक गांव है रतवा, वहां ले गए। वहां ले जा के दवाई, एक बार तो पेट में चली गई, उल्टी हो गई। दूसरी बार जो है लिली नहीं है उसके पेट में। कितनी देर मौत हो गई इनकी? उसकी मौत जो समझ लो आध घंटे में तो